हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों को ये वीडियो खास तौर उनके लिए है जिन पर बिल्कुल सिलाई नहीं आती है, या फिर सिलाई मशीन नहीं है, या फिर ख़राब हो चुकी है और वो बैग बनाना चाहते हैं। तो देखिए, मैं पुरानी टी शर्ट से बैग बनाऊँगी और बिना किसी मेहनत के आप इसे बना सकते हो, बिना सिलाई मशीन के, बिना सुई धागे के। तो देखिए, इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है और जो हमारी स्लीव है इसको हम देखिए साइड से लेते हुए, थोड़ा सा नीचे से लेते हुए इसको मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ ऊपर स्लीव तक। तो ये देखिए, इधर से हमने कट कर दिया। केवल दो कट से आप इस पैक को बना लोगे। और देखिए, जो गला है उधर से भी मैं इसे कट कर रही हूँ थोड़ा सा नीचे तक। तो देखिए, ये हमारा हो गया है, तनी हो गई है ये बैक की। अब देखिए, अब हम नीचे की साइड में इसे कट करेंगे। तो पहले साइड से कट कर लेते हैं इस तरीके से, करीब एक से वो 1.5 या 2 इंच तक इसे कट करना है। और अगर आपकी बड़ी टी शर्ट है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा कट कर सकते हो, और इसे आप बड़ी से छोटी से, तो जितना जितनी बड़ी आपकी टी शर्ट होगी उतना ही बड़ा हमारा बैग बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए, करीब मैंने 1.5 या 1 इंच की सी ये स्ट्रिप सी मैंने कट कर ली हैं, करीब ऊपर 1.5 इंच ऊपर तक, 1.5 से 2 इंच ऊपर तक मैंने ये कट की हुई हैं। तो इसी तरीके से मैं दोनों साइडों से कर लूँगी और ये हमारी कट हो चुकी हैं। अब देखिए, आपको एक पार्ट नीचे के हिस्से का लेना है और एक पार्ट लेना है ऊपर के हिस्से का, और इस तरीके से आपको 2 नॉट लगानी है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, टाइट गांठ लग जाए इसमें। तो देखिए, इसे छोड़ देंगे और फिर से हम एक नीचे का और एक ऊपर का उठाएंगे जो कट किया हुआ स्ट्रिप है। तो इसी तरीके से हम पूरे को बांध लेंगे नीचे की साइड से, जो हमारा पूरा बैग है उसको। अब तो बैग ही बोलेंगे अगर हम बैग बना रहे हैं तो, क्योंकि टी शर्ट का तो अंत हो गया, कट पिट हो गई। और देखिए, इसी तरीके से हम इसको बांध लेते हैं, फिर आपको मैं इसका लुक फाइनल दिखाती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से बांध लिया है। अगर आप थोड़ा सा इसे ज़्यादा ज़्यादा कट करोगे तो और भी अच्छा लुक आएगा। ये जो स्ट्रिप है इसके नीचे थोड़ी सी लटकी हुई नज़र आएगी। वैसे आप सीधा या उल्टा किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, सीधा करके या उल्टा करके, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन बस ये है, इसमें जो सिलाई लगी हुई है अंदर की साइड में टी शर्ट में वो दिखेगी, लेकिन इसमें वैसी वाली सिलाई नहीं आती है, इंटरलॉक वाली सिलाई आती है, तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरीके से हमारा बैग रेडी हो जाएगा और जितनी बड़ी टी शर्ट होगी आपकी उतना ही बड़ा आपका बैग बनेगा। तो ये मैंने अपनी बेटी की टी शर्ट से बनाया हुआ है, तो आप इजीली इसे मार्केट के लिए बना सकते हो। तो देख सकते हो, आप कोई भी छोटा मोटा सामान लेने जाते हो या किसी को भेजते हो तो इसे दे सकते हो, और देखिए कितना काम में आएगा आपका, बिना सिलाई का बैग है। आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।